सो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नए फ्रेश व्लॉग में हम्पी में। तो मैं हूँ अभी हम्पी में। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं हनुमान टेंपल में, तो पहले वहाँ चलते हैं। अभी सुबह का टाइम हो रहा है 7, तो निकलते हैं यहाँ से पहले। और ये हमारे रिसॉर्ट के सामने कुछ ऐसा व्यू है, पत्थर ही पत्थर। अभी सुबह के हो रहे हैं 7, हम लोग ऑन टाइम निकल गए, 1 घंटा लेट है हम लोग। ऑन टाइम कभी नहीं होता है। और ये हमारे होटल वाले ही हैं, होटल स्टाफ। हम लोग पहुंच गए हैं हनुमान जी का जहाँ पे जन्म स्थान है, वहाँ पे नीचे पार्किंग में। तो गाड़ी यहाँ पे हमने पार्क कर दिया, ये रही। तो अभी वहाँ पे एक चाय वाला है, तो चाय पीते हैं। सुबह से चाय नहीं पी है, चाय पी के फिर हम लोग दर्शन के लिए आगे निकलेंगे। यहाँ पे 500 प्लस सीढ़ी है, तो अभी वो चढ़नी है। सुबह का हो गए है 7:15, तो वो अभी चढ़ना पड़ेगा सुबह सुबह, इसलिए जल्दी आए कि धूप भी आ गई तो इतनी गर्मी नहीं लगेगी। और दूसरी बात है कि यहाँ पर अभी फ्लड के कारण जहाँ पे इतना गर्मी नहीं है, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, गर्मी तो इतना नहीं लग रहा है, फिर भी थोड़ा ह्यूमिडिटी है, बट ठीक है, वो तो चल जाएगा, बट काफ़ी अच्छा है। तो चाय पीते हैं पहले। पार्किंग करने के बाद हम लोग यहाँ बैठे हैं चाय पीने के लिए। तो हमारा इडली बन रहा है यहाँ पर, तो हमारा नहीं, आटे का इडली बन रहा है, फ्रेश इडली। ये भाई बना के दे रहे हैं, रवा इडली है, साथ में सांभर है और साथ में है चटनी। ये बिल्कुल टेंपल के सामने है, वहाँ पर पार्किंग की है, गाड़ी पार्किंग करके हम लोग यहाँ आ गए। मैं चाय पी के कुछ खा के फिर निकलते हैं। आरती तो लगी हुई है चाय पीने के लिए। तो ये पहला ब्रेकफास्ट आ गया हमारा, अप्पम, इसको यहाँ कहते हैं पद्दू। तो इसको खा के देखते हैं, देखते हैं ना, टेस्ट करेंगे। तो ये किष्किंधा टिफिन सेंटर है, यहाँ पे बहुत अच्छा हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया, जैसे इडली खाई, अप्पम खाया हम लोगों ने, और 2 बार चाय पी, काफ़ी अच्छी चाय थी। तो थैंक यू ये भाई को। पार्किंग के सामने ही इनका स्टॉल है, एक ये बंदा है, एक ये बंदा है। क्या नाम है तुम्हारा? महबूब। किसका? तो यहाँ पे ही इनका स्टॉल है, जिसी को भी आना हो तो वो भाई यहाँ पे आके ब्रेकफास्ट कर सकता है। और अभी राइस का तैयारी चल रहा है, वो हम लोग आने के बाद खाएंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर हनुमान टेंपल है, और हनुमान टेंपल के बिल्कुल सामने है यहाँ पर है पार्किंग, पार्किंग के बिल्कुल यहाँ पर इनका स्टॉल है। गाड़ी वहाँ पे पार्क हो गया, और यहाँ पे एंट्री है मंदिर के लिए। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये लोग जाकर आ चुके हैं, हम लोग एक्चुअली काफ़ी लेट हैं, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, दर्शन तो कर रहे हैं। लेट मतलब उतना लेट नहीं है, 8 बज गए, ब्रेकफास्ट करने में टाइम हो गया, क्योंकि उसने गरम गरम बना के दिया हमें। ये देखिए, ये एंट्री है, और ऊपर मंदिर है, 500 प्लस सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, और वो कवर्ड है सीढ़ी, मतलब बारिश वगैरह आई तो भी कोई ऐसा इशू नहीं है। ये है अंजनी देवी, उनके गोद में हनुमान जी है। भैया एंट्री कहाँ से? कितनी सीढ़ियाँ हैं? 575? ओ माई गॉड, तो टोटल स्टेयर्स हैं 575। तो चलो ऊपर चलते हैं, यहाँ पे हनुमान जी के एक बार दर्शन कर ले। जय हनुमान जी, जय बजरंग बली, जय हनुमान जी की। तो यहाँ से पहली सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। और यहाँ पर आने के लिए आपको साड़ी सूट वगैरह चलेगा, शॉर्ट्स नॉट अलाउड। यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है, शॉर्ट्स वगैरह अलाउड नहीं है, साड़ी सूट वगैरह चल जाएगा, जीन्स वगैरह भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये है बर्थ प्लेस ऑफ हनुमान एंड द कैपिटल सिटी ऑफ वानरा किंग वाली। जय श्री राम,
जय हनुमान जी की, जय बजरंग बली जी की, राम राम पंडित जी। लास्ट टाइम भी हम लोग आए थे जब 2 साल पहले, मैं और आरती, हमने तभी भी टेंपल देखा था, पर गर्मी इतनी थी कि हम लोग ने सोचा कि नहीं हो पाएगा, तो जितना हुआ उतना ही किया हम लोग ने एक्सप्लोर। पर इस बार हम लोग यहाँ पे भी बहुत कुछ है, सिर्फ हम्पी में नहीं, हम्पी का थोड़ा दूसरा साइड है, सांस फूल रही है, ये हम्पी का दूसरा साइड है और काफ़ी अच्छा है, इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और इसके अच्छे से वीडियोस बनाएंगे। ये देखो सीढ़ियाँ, थोड़ा ऊपर आ गए हम लोग, अभी बाकी है काफी ऊपर जाना। जय बजरंग बली। थोड़ा ही ऊपर आए हैं और ये व्यू देखिए यहाँ से, बहुत अच्छे नारियल के पेड़, खेत हैं, पूरे बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर। गाड़ी हमारी वहाँ पे लगी हुई है नीचे, क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है सच में। यहाँ पे लिखा हुआ है 300 स्टेप्स, तो हम लोगों ने 300 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, तो अभी बचे हैं 275, तो वो भी जल्दी कर लेंगे। वाह, ऊपर कितने बंदर बैठे हुए हैं। इसको मंकी पॉइंट भी बोलते हैं, बिकॉज जो रामायण के जो पूरे वानर सेना है वो इनका स्थान है यहाँ पे, सुग्रीव वाली, तो उनका भी यही स्थान है। जय हनुमान जी की। बस पहुँचने ही वाले हैं, 400 स्टेप हो गए हैं, 450 हो गए। जय बजरंग बली। सब पत्थर ही पत्थर है बड़े। ये देखिए यहाँ पे लिखा है श्री हनुमान जी जन्मस्थल अंजनी पर्वत किष्किंधा, 575 स्टेप्स। चलो आगे चलते हैं। ये देखिए व्यू, आरती रुक गई, थक गई है। बहुत बंदर है यहाँ पर। ये देखिए अभी पत्थर के नीचे से हमें जाना है झुक के। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। बैक टच हो रहा है। जय हनुमान जी की। लो जी पहुंच ही गए, थोड़ा सा रह गया। बस पहुंच गए। तो ये देखिए लिखा हुआ है 575 स्टेप्स, तो हमने 575 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, अब चलते हैं मंदिर में। तो पहुंच ही गए मंदिर के यहाँ पर, हालत देख रहे हो क्या हो रही है, ये होता है वर्कआउट ना करने का नतीजा। ये आ गए हम लोग। जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, जय जय राम। यहाँ से एंट्री है। जय बजरंग बली, जय। तो ये अपने भारत के नक्शे पे जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पे हमारे श्री राम जी गए थे। ये देखिए,
और यहाँ पे पूजा करने के लिए कुमकुम अर्चना 51 रुपीज़ फ्लावर डोनेशन डेकोरेशन का है, और फूड मंकीज है 101। ये वही पत्थर है, इसका वेट है पत्थर का 25 किलो, और ये वही राम स्टोन है, राम सेतु, वो जो ब्रिज बनाया था सीता माता के लिए। ये देखिए ये पानी के ऊपर ही तैर रहा है। ये रहे हनुमान जी, श्री राम जी, और ये बाबा जी थे, बाबा लक्कड़दास जी, जिन्होंने यहाँ पर मंदिर की स्थापना की। ये तो जन्म स्थान है ही है हनुमान जी का, यहाँ पे इन्होंने स्थापना की थी। अब तो ये बाबा जी नहीं रहे। 50 साल सेवा किया था, 50 इयर्स। तो ये बाबा जी ने 50 साल यहाँ पर सेवा की है। 6 बजरंगबली, जय हनुमान जी, जय सियाराम। ये अंजनी माता जी है, वो उनकी गोद में हनुमान जी बैठे हुए हैं। जय अंजनी माता, जय हो, जय हो। सो बहुत बढ़िया से हमें आरती भी मिल गई, मतलब मुझे तो आरती मिली हुई है, हनुमान जी की भी आरती मिल गई हमें करने के लिए। तो ये सामने से कुछ ऐसा ऊपर से व्यू है। ये कुछ ऐसा ऊपर से व्यू आ रहा है। तो अभी ये हनुमान जी मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर, और यहीं के सामने यहाँ पे आगे जाने के लिए रास्ता है। तो मैंने कहा चलो बड़े बड़े पत्थरों पे घूम के आते हैं। अरे बहुत इधर ग्लेरी बहुत है। वाह, वहाँ पे भी बैठ सकते हैं। अच्छा सनसेट प्लेस है यहाँ पर। वाह देखो कितना अच्छे से मेंटेन किया हुआ है लोगों के जाने के लिए। पत्थर ही पत्थर है बड़े बड़े। हमारा फायदा ये है कि हमें गर्मी नहीं लग रही है, मस्त मौसम मिल रहा है ना। शाम में आते होंगे लोग इधर सनसेट देखने। हाँ जब गर्मी होगी तब। सो हम आ गए हैं अभी सनसेट पॉइंट पे। सो ये मंदिर के दूसरी तरफ में है, मतलब मंदिर आगे की तरफ रह गया और हम आ गए हैं अभी थोड़ा बैक साइड की तरफ में। यहाँ पे इसको सनसेट पॉइंट का नाम दिया हुआ है, और ये प्लेस को मंकी पॉइंट भी बोलते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मंकीज़ भी हैं यहाँ पे। इसके अलावा इसको अंजनी हिल्स बोलते हैं, कनाडा में शायद अंजनद्री हिल बोलते हैं। सो हनुमान टेंपल भी बोलते हैं। सो मैं आपको उस तरफ का व्यू बताती हूँ। अभी सनसेट का टाइम नहीं है बट ठीक है, व्यू काफ़ी अच्छा है। सो ये रहा सनसेट पॉइंट वाला लोकेशन, आप देख सकते हो यहाँ पे से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। फार्म्स दिख रहे हैं, देन वो बड़े बड़े पत्थर, मतलब ये एक्चुअली माउंटेन्स नहीं है बट बोल सकते हो कि बड़े बड़े पत्थरों का डेरा लगा हुआ है तो उसके माउंटेन्स बन गए हैं। उस तरफ में आप देखोगे तो एक लेक दिखाई दे रही है, वो शायद सनापुर लेक है जहाँ हम पिछली बार भी गए थे। कोराकल राइड किया था हम लोगों ने, बोट राइड। सो इसके बाद हम लोग वहाँ पे भी जाने वाले हैं लेक की तरफ में। सो ये वहाँ का व्यू है। बाकी आप यहाँ पे पूरा, मतलब आपको यहाँ पे गांव बोल सकते हो या हम भी पूरा दिख सकता है। जो हम लोग बैक साइड आए थे ना, तो ये कोई पहले का रास्ता है। यहाँ पर दिखा रहा है 425 स्टेप्स है, बट ये जंगली रास्ता है तो हम लोग इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा नीचे गया था, देखा काफ़ी जंगल है तो मैं वापस आ गया। तो अभी जो रास्ते से हम लोग आए थे वहीं से चलते हैं वापस। वहाँ पे बंदर भी ज्यादा हो सकते हैं। इस तरफ में तो कवर्ड है। हाँ सब कवर है, बट मुझे लगा कि जहाँ से आए वहीं से जाना चाहिए, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। थोड़ा आगे जाओ, कैरी बैग निकाल देना। अब नहीं देगा वो। निकालेगा ना वो। नहीं कैरी बैग अपन लेके जाएंगे वापस, इसको खाने दो। हाँ वही बोल रही हूँ।
ये लोग कैसे ना देखो ना उधर गले में भर के रख लेते हैं। मुझे एक्चुअली उसको भी देने थे चारों केले, इसने अकेले नहीं ले लिए। उसने देखा ही नहीं शायद, उसका ध्यान ही नहीं है या वो ऑलरेडी कुछ तो खा रहा है। एक्चुअली हम लोग वेट कर रहे हैं कि वो खा ले, फिर हम लोग वो केले के छिलके और वो कैरी बैग उठा के नीचे ले जाएं। हम इसलिए रुके हैं यहाँ पर। पर ये भाई साहब तो आराम आराम से खा रहे हैं, तीन केले खा गए, ये खा रहे चौथा केला, लाया भाई खोल दिया। तो ये खा के जाएगा तो उसके बाद ही हम लोग इसको उठा पाएंगे, नहीं तो ये कार्ड वार्ड देगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो भाई साहब जाने की तैयारी में है। तो यहाँ पे हमारे दर्शन हो गए, अभी नीचे जा रहे हैं वापस से 575 स्टेयर्स। तो नीचे मिलते हैं आपसे। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए और हम लोग नीचे आ गए और अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। तो चलो भाई निकलते हैं। ये आ गया बंदा पार्किंग वाला, 20 रुपीज पार्किंग। जय बजरंगबली, जय हनुमान जी की, जय सियाराम।